गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज जो हम मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है बोविस्टा। इसका जो कॉमन नेम है उसका नाम है पफ बॉल। प्रूवर की बात करें तो इसके प्रूवर है हर्ट लॉ। किंगडम जिससे बिलोंग करते हैं वो है वेजिटेबल किंगडम, और फैमिली जिससे बिलोंग करते हैं वो है फंगस फैमिली। इसके जो अदर मेंबर है वो है यूस्टिलेगो मेडिस, सिकल कॉर, थैलेप्सिबर्सा पेस्टोरिस, पॉलीपोरस पिनिकुला। ये जो फंगस है इटली में इसको बड़े चाव से खाते हैं, और इसके मैच्योर होने से पहले ही इटली के लोग इसको खाने में यूज़ कर लेते हैं। पर जब ये मैच्योर होता है उसमें इसके अंदर एक ब्लैकिश डस्ट प्रोड्यूस होती है जो कि एक नॉइस के साथ में क्रैक करती है। इसी तरीके से इसका जो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है वो यही है कि जो इसका जो पेशेंट होएगा उसमें ब्लॉटेडनेस पाई जाएगी, डिस्टेंशन पाया जाएगा बॉडी में, और उसके अलावा जो फ्लैटस होएगा वो नॉइजी वॉइस के साथ में प्रोड्यूस होगा, और जो उसका पूरे बॉडी पार्ट्स है उसमें उसको लगेगा कि उसके बॉडी पार्ट्स इनलार्जमेंट हो रही है। स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो ये मेडिसिन फीमेल यूरोजेनाइटल सिस्टम में, स्किन में, ब्लड में और एब्डोमेन में बहुत अच्छा काम करती है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये जो फंगस है वो कैपिलरी सिस्टम पे काम करती है, कैपिलरी सिस्टम को रिलैक्स करती है, जिसके कारण कि हेमरेजिक डायथिसिस इसमें प्रोड्यूस होता है। बॉडी में ये ब्लॉटेडनेस एंड पफिनेस प्रोड्यूस करता है, और स्किन में ये एक्जिमा एंड हर्पीस जैसे लक्षण ये प्रोड्यूस करता है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये बेस्ट सूटेड है ओल्ड मेड्स में, स्टैमरिंग चिल्ड्रंस में, और ऐसे पर्सन्स में जिसमें बहुत जल्दी जल्दी इरप्शन होते हैं, और इरप्शन का जो कंडीशन है वो मोइस्ट एंड ड्राई टाइप्स के होते हैं। टेम्परामेंट की बात करें तो इसमें नर्वस टेम्परामेंट है, और थर्मल रिएक्शन की बात करें तो ये चिल्ली पेशेंट रहता है। एलिमेंट्स फ्रॉम चारकोल फ्यूम्स इसमें रहता है, और मियाजमेटिक जो बैकग्राउंड है वो सोरा एंड साइकोसिस इन द बैकग्राउंड रहता है। डायथिसिस इसमें हेमरेजिक डायथिसिस इसमें रहती है। इसमें जो डिस्चार्ज रहता है म्यूकस मेम्ब्रेन से वो टफ स्ट्रिंगी और टेनिसिस होता है, जो कि कैलिबाइक्रोम और हाइड्रोस्टिस में भी पाया जाता है। इसके अलावा जो इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग रहेगी वो चारकोल फ्यूम्स के इसके कारण रहेगी, और जो भी इसमें सांस में जो दिक्कत आएगी वो जैसे आर्म्स को वो थोड़ा आगे पीछे करेगा उसके कारण उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा टाइट फिटिंग कपड़ों से उसको इनटॉलरेंस रहेगी, पर्टिकुलरली वेस्ट का जो रीजन होता है उसमें। ये जो सिम्टम है ये हमको लैकेसिस की मेडिसिन में भी मिलता है। फिंगर्स में ब्लंट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सीजर और नाइफ के यूज़ के कारण उसमें डीप इम्प्रेशन इसमें पाया जाता है। इसमें एक्जिला में स्वैट की जो स्मेल होती है वो ऑनियन की तरह होती है। ऐसे पेशेंट्स में अवेक्वार्डनेस पाई जाती है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होने के बावजूद भी जो भी चीज़ जैसे हाथ में हैंडल करते हैं वो उनके हाथ से गिर जाती है। ये जो सिम्टम है ये हमें एपिस में और नेट्रिम्यूर में भी पाया जाता है। ये जो दिक्कत इनको रहती है वो वीकनेस और वीरीनेस जो जॉइंट्स में होती है उसके कारण इनको रहती है, और इसके अलावा नर्वसनेस भी इसका एक मुख्य कारण है। ऐसे बच्चों में स्टैमरिंग की दिक्कत रहती है। इसके अलावा जो दूसरी जो मेडिसिन है जो स्टैमरिंग में काम आती है वो है स्पाइजीलिया, स्ट्रेमोनियम और मर्क। फीमेल सिम्टम की बात करें तो फीमेल्स में ल्यूकोरिया मेंसेस के 10 दिन बाद में आता है, और ये जो सिम्टम है जो ल्यूकोरिया 10 दिन बाद में आता है वो आपको बोरेक्स और कोनियम में भी मिलता है। ल्यूकोरिया के करेक्टर की बात करें तो ये एक्रिड एंड कोरोसिव होता है, और इसके अलावा टफ एंड स्ट्रिंगी ये रहेगा, और जो क्लोथ्स में जो इसके स्टेन होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे। ये मेनोरेसिया और मेटोरेसिया में भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऑनसेट जो इसका रहेगा वो टू अर्ली रहेगा, या फिर एवरी 2 वीक्स इसमें ये दिक्कत पाई जाएगी।
क्वांटिटी इसमें प्रोफ्यूज रहेगी और ड्यूरेशन जो इसका होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। कैरेक्टर ऑफ ब्लड इसमें डार्क एंड क्लॉटेड रहेगा। इसमें जो ब्लड का फ्लो होगा वो सिर्फ रात के टाइम में होगा और रेस्ट करते वक्त होगा। सुबह के टाइम में उसको एम्ब्लोरेशन रहेगा या फिर कोई भी एक्जर्शन का जो काम करेंगे उसमें उसको एम्ब्लोरेशन रहेगा। ये जो स्ट्रेंज सिम्टम है ये मैक कार्ब में और नेट्रम्यूर में पाया जाता है। बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस इसमें डायरिया रहेगा जो कि वेरिट्रम एल्बम और अमोनियम कार्ब में भी पाया जाता है। टिप ऑफ द कॉकिक्स उसमें इनटॉलरेंट इचिंग रहेगी जिसके कारण वो जो पार्ट होगा वो रॉ एंड सोर हो जाएगा और पेशेंट उसको तब तक स्क्रैच करेगा जब तक कि वो पार्ट रॉ एंड सोर नहीं हो जाए। क्रोनिक अर्टिकेरिया में जब रस्टॉक्स फेल हो जाए तब हम बोविस्टा के थ्रू हम अर्टिकेरिया को क्योर कर सकते हैं। इसमें जो एक्जिला की जो स्वेट होती है उसकी जो स्मेल होती है वो ऑनियन की तरह होती है। अगर इसमें हनी की तरह अगर स्मेल आए तो थूजा मेडिसिन होती है, गार्लिक की तरह आए तो सल्फर मेडिसिन होती है और अगर सल्फर की तरह आए तो फॉस्फोरस मेडिसिन होती है। रिलेशन की बात करें तो बोविस्टा जो मेडिसिन है वो तार एप्लीकेशन को एंटीडॉट करती है। इसके अलावा अर्टिकेरिया में रस्टॉक्स जब फेल हो जाए तो उसकी जगह हम इसमें बोविस्टा हम इसको दे सकते हैं। ये कैम्फर के द्वारा एंटीडॉट होती है और जो लोकली जो तार एप्लीकेशन है उसको ये एंटीडॉट करती है। कैल्केरिया, रस्टॉक्स और सीपिया इसको वेल फॉलो करती है। वापस इस मेडिसिन को रिवाइज करें तो इसमें जो जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन से डिस्चार्ज होंगे वो टफ, स्ट्रिंगी एंड टेनेसियस होंगे। उसके अलावा जो डीप इम्प्रेशन इसमें पाया जाएगा कोई भी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से फिंगर्स में। उसके अलावा डायरिया जो होगा वो बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस इसमें रहेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो बाकी सिम्टम्स पाए जाएंगे वो होंगे जैसे ये मेनोरेजिया और मेटोरेजिया में ये मेडिसिन काम आती है। और इसमें जो ल्यूकोरिया होगा वो 10 डेज आफ्टर मेंसेस रहेगा इसमें। और इसमें जो स्टेम रहेगा वो ग्रीन कलर का स्टेम रहेगा। एक्जिला में जो स्वेट की जो स्मेल रहेगी वो ऑनियन लाइक रहेगी। इसके अलावा एवेक्वर्डनेस रहेगी। पेशेंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा सावधानी के बावजूद भी जो भी चीज़ उसको हाथ में देंगे वो हाथ से गिरा देगा। वो वीकनेस और वीरीनेस ऑफ द जॉइंट्स के कारण होता है। इसके अलावा टिप ऑफ द कॉकिक्स में इनटॉलरेबल इचिंग होगी उसमें और वो पेशेंट उसको इतना उसको इचिंग आएगी उसको कि वो जो पार्ट होगा वो रॉ एंड सॉर हो जाए। इसके अलावा क्रॉनिक आर्टिक एरिया में जब रस्टॉक्स फेल हो जाए तो हम बेविस्टा को यूज़ करके ये आर्टिक एरिया को हम सही कर सकते हैं। आई होप आप घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ और अगला जो वीडियो होगा उसके बारे में जल्दी आपको जानकारी दूंगा। थैंक यू।